और आप भी जितनी मोहब्बत करते हैं तो इसको मेरा दिल जानता है। और इसलिए जो आसिफ भाई बोल रहे हैं, जो अभी अभी इन्होंने बोला है, तो वास्तव में एक गमों की आंच पर आंसू उबाल कर देखो। मैंने मेरा जो सोच रहा है और जो मेरा करनी और कथनी का मेरे जीवन का आधार रहा है कि गमों की आंच पर आंसू उबाल कर देखो, बनेंगे रंग किसी पर भी डाल कर देखो, तुम्हारे दिल की चुभन भी कम होगी, किसी के पैर का कांटा निकाल कर देखो, पैर का कांटा निकाल कर देखो। एक मिश्रा मैंने लिखा था। अरे आपकी तो दुआ बहुत है मेरे लिए। अरे आप तो पहले ही खिला देते, क्या बात है, क्या देखिए बहुत रुतबा। ऐसे भी बच्चे हैं ऐसे भी लोग हैं। एक रुबाई है तब और तरोताजा मैंने लिखा है कि बहुत बहुत रुतबा बहुत सौरत, बहुत रुतबा बहुत सौरत, बहुत दौलत कमाई है। बहुत रुतबा बहुत सौरत बहुत दौलत कमाई है, अमीरे शहर है, अमीरे शहर है इज्जत है, अमीरे शहर है इज्जत है, तेरी शहंशाही है। वाह, अमीरे शहर है इज्जत है, तेरी शहंशाही है, अगर घर में तेरे माँ बाप की आंखों में आंसू हैं, अगर घर में तेरे माँ बाप की आंखों में आंसू हैं, तो फिर तू भूल जाना जन्नत, तूने जो जंग कमाई है। जन्नत तूने जो जंग कमाई है। एक गजल है तहत में है कि जो किसी का बुरा नहीं करता, जो किसी का बुरा नहीं करता, बस यही तो खुदा नहीं करता। जो किसी का बुरा नहीं करता आदमी वो नहीं फरिश्ता है। आदमी वो नहीं फरिश्ता है जो दिलों को जुदा नहीं करता। आदमी वो नहीं फरिश्ता है जो दिलों को जुदा नहीं करता। कभी हारता नहीं यारो, सच कभी हारता नहीं यारो, सच किसी से डरा नहीं करता। सच कभी हारता नहीं यारो, सच किसी से डरा नहीं करता, अपने रब पर यकीन है जिसको, अपने रब पर यकीन है जिसको, आंसुओं से गिला नहीं करता। अपने रब पर यकीन है जिसको, आंसुओं से गिला नहीं करता। और आदमी वो नहीं जमाने में, आदमी वो नहीं जमाने में जो किसी का भला नहीं करता। आदमी वो नहीं जमाने में जो किसी का भला नहीं करता। और इसके साथ ही एक मुक्तक है, और मुक्तक के साथ ही मैं अपनी बात खत्म करूँगा। वैसे तो इस मौके पर मैंने अभी सुबह भी अर्ज किया था और अभी फिर बार बार मन करता है, हमारे इस शहर के जो इतने अच्छे कार्यक्रम के लिए, अच्छा एक जो एक आपके विरासत है आपके शहर की, उसके लिए 55 सालों से जो संजोए हुए हैं हमारे आसिफ भाई, और इन्होंने जो आगे इसको बढ़ाया है, तो उनके लिए एक मैं शेर कहना चाहता हूँ कि अगर मैं मुंत ही होता तो देता 100 के 100 नंबर, अगर मैं मुंत ही होता तो देता 100 के 100 नंबर, लियाकत के नजाकत के सराफत के अलग नंबर।
ये उनकी खुशियत है, उनकी उनकी शख्सियत है कि अगर मैं मुंधी होता, एग्जामिनर परीक्षक होता, उनके वैल्यूअर होता, तो उनके लिए ये जरूर कहता कि अगर मैं मुंतही होता तो देता 100 के 100 नंबर लियाकत के, नजाकत के, सराफत के अलग बोनस मार्किंग बोनस। आप सबकी याद में देखिए प्रेम, प्रेम जो है विषय किसी उसका नहीं है, प्रेम जो है दिमाग का विषय नहीं है, दिमाग का विषय नहीं, ये दिल का भी नहीं है, ये हमारे अवचेतन की गहराई से उत्पन्न होता है, अंदर से आता है। क्या बात, क्या बात। और प्रेम जब निस्वार्थ और अनकंडीशनल होता है तो यह अपने अवचेतन की गहराई में एक जगह बना लेता है, जैसा कि हमारे और आपके दिलों के बीच में जो जगह बनी हुई है। और शुद्धि आती है, एक दूसरे की शुद्धि आती है, याद करते हैं। तो उसके लिए मैंने एक मुक्तक लिखा है कि शुद्धियों के मधुवन में जब यादों की कनियां खिलती हैं, सुदियों की जब याद आती है, हमें आपकी याद आती है, आपको हमारी याद आती होगी, जरूर आती होगी, आपकी तो बहुत आती है सर। जब सुदियों के मधुबन में जब यादों की कलियां खिलती हैं, तब घर के आंगन का पीपल चंदन वन सा लगता है। अजय भाई, सुदियों के मधुबन में जब यादों की कलियां खिलती हैं, तब घर के आंगन का पीपल चंदन वन सा लगता है, तब घर के आंगन का पीपल चंदन वन सा लगता है। अरे प्रियतम, प्रीत के धागे में जब प्यार के पुष्प फिरोते हैं, प्रियतम प्रीत के धागे में जब प्यार के पुष्प फिरोते हैं, तब माला का एक पुष्प भी पूरा मधुबन लगता है, तब माला का एक पुष्प भी पूरा मधुबन लगता है, तब माला का एक पुष्प भी पूरा मधुबन लगता है। अरे अमराई के झुरमुट से जब स्वर की सरिता बहती है, अमराई के झुरमुट से जब स्वर की सरिता बहती है, तब कोयल का एक शब्द भी काव्य ग्रंथ सा लगता है, तब कोयल का एक शब्द भी काव्य ग्रंथ सा लगता है। और अंतिम है कि साजन सजनी को सावन में जब जब अंग लगाते हैं, तब सजनी को टूटा घर भी ताजमहल सा लगता है, सजनी को टूटा घर भी ताजमहल सा लगता है। कि वक्त की दास्तां जब कोई सुनाएगा, वक्त की दास्तां जब कोई सुनाएगा, हमको भी कोई शहर याद आएगा, वक्त की दास्तां जब कोई सुनाएगा, हमको भी कोई शहर याद आएगा, भूल जाएंगे जिंदगी के गमों को हम, भूल जाएंगे जिंदगी के गमों को हम, जब आपके साथ गुजरा हुआ जमाना याद आएगा, जब आपके साथ गुजरा हुआ जमाना याद आएगा। के टीआई साहब और भोपाल के डीएसपी साहब रह चुके हनुमान सिंह राजपूत जी का कलाम, आइए बुरहानपुर